हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज में। आज मैं आपके लिए ट्रेन जानकारी लाया हूँ, ट्रेन नंबर 14819 भगत की कोठी साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अपडेट जर्नी लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारी जर्नी राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर से गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर तक होने जा रही है। आज मैं आपको जोधपुर शहर के भगत की कोठी से अहमदाबाद शहर के साबरमती वीजी तक जाने वाली इस साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की पूरी जानकारी दूंगा, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल, रूट, डिस्टेंस, फेयर, स्टॉप्स आदि बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल माय इंडियन रेलवे जर्नीज पर। फ्रेंड्स, यह ट्रेन सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को अपना सफर भगत की कोठी से मुकलसर व भिलड़ी जंक्शन के रास्ते होते हुए साबरमती वीजी तक करती है। इस ट्रेन के कुल 12 स्टॉप हैं। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन 454 किलोमीटर की यात्रा को लगभग 8 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन को एक डीजल लोकोमोटिव चलाता है, जो भगत की कोठी WDP-4, WDP-4B या WDP-4D में से कोई एक हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस ट्रेन में लगने वाले कोचेस की, तो इस ट्रेन में LHB श्रेणी के कुल 16 कोच हैं, जिनमें से 8 जनरल अनरिजर्व कोच, 3 सेकेंड सिटिंग कोच, 2 AC चेयर कार कोच और 1 AC थर्ड टायर कोच और 2 जनरेटर कार कोच हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस ट्रेन का भगत की कोठी से साबरमती वीजी तक के लगने वाले किराए की, तो जनरल क्लास का ₹150, सेकेंड सीटिंग का ₹165, AC चेयर कार का ₹600 और AC थर्ड टायर का ₹745 है। फ्रेंड्स, इस किराए में GST और फूड मिल कॉस्ट ऐड नहीं किया गया है। इस किराए में भारतीय रेलवे द्वारा कभी भी बदलाव किया जा सकता है, इसलिए लेटेस्ट व अन्य किराया जानने के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर जाकर जरूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है, लेकिन ई कैटरिंग व ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो चलते हैं फ्रेंड्स इस जर्नी की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ट्रेन भगत की कोठी से सुबह के 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का पहला स्टॉप लूनी जंक्शन है, जहां पर यह 5:25 पर पहुंचती है व 5:28 पर रवाना हो जाती है। यह इस ट्रेन का मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप संदड़ी जंक्शन है, जहां पर यह सुबह के 6:16 पर पहुंचती है व 6:21 पर रवाना हो जाती है। यह इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप मुकलसर है, जहां पर ये 6:59 पर पहुंचती है वह 7:02 पर रवाना हो जाती है। यहां इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, इस ट्रेन का चौथा स्टॉप जालोर है, जहां पर ये 7:25 पर पहुंचती है वह 7:28 पर रवाना हो जाती है। यहां इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन के 5वां स्टॉप मारवाड़ बगरा, जहाँ पर हमने 103 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ पर यह 7:44 पर पहुँचती है वह 7:46 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 6ठा स्टॉप मोदरान है, जहाँ पर यह सुबह के 8:03 पर पहुँचती है वह 8:06 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 7वां स्टॉप मारवाड़ भीनमाल है, जहां पर यह 8:33 पर पहुंचती है वह 8:36 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 3 मिनट का स्टॉप है। 8वां स्टॉप रानीवाड़ा है, जहां पर यह 8:59 पर पहुंचती है वह 9:02 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 3 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 9वां स्टॉप धनेरा है, जहाँ पर यह 9:26 पर पहुँचती है वह 9:29 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 3 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के 10वां स्टॉप भिलड़ी जंक्शन, जहां पर हमने 300 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है। यहां पर यह 10:30 पर पहुंचती है वह 10:40 पर रवाना हो जाती है। इस ट्रेन का यहां 10 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का 11वां स्टॉप पाटन है, जहां पर यह 11:41 पर पहुँचती है वह 11:43 पर रवाना हो जाती है। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के 2nd लास्ट स्टॉप 12वां महसाना जंक्शन, जहां पर यह दोपहर के 12:25 पर पहुंचती है वह 12:27 पर रवाना हो जाती है। यहां इसका 2 मिनट का स्टॉप है।
फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप साबरमती बीची, जहां पर इसने 454 किलोमीटर की यात्रा लगभग 8 घंटे 55 मिनट में कंप्लीट की है। ये ट्रेन यहां पर दोपहर के 1:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पसंद की कोई ट्रेन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें।